इतने घटिया इंसान हो कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती। पीछे समझ नहीं आ रही तुझे एक बात, निकल। जी मेरा सामान वापस दो। निकल निकल इधर से बाहर, उठा अपना सामान। मैं सामान लेकर रहूंगी। अबे ओ निकल इधर से, देखो पकड़ के गिरफ्तार करो, मोबाइल में डाले थे। छोड़ दे, शर्म नहीं आई तुम्हें? हमारी इज्जत का भी ख्याल नहीं आया तुम्हें? अगर जायरा जायरा वहां ना पहुंचती तो तुम्हारा पता नहीं क्या हशर होता। खुश हो गई तुम? मुझे सबके सामने ह्यूमिलिएट करके ये चाहती थी ना तुम? हैव यू गॉन मैड? ये तुम्हें उस धोखेबाज से बचा के लेकर आई है और तुम इसी को बातें सुना रही हो? जवान बच्ची है, हाथ मत उठाइए, अभी छोटी है, बड़ी होगी तो खुद ही समझ जाएगी। आंटी प्लीज, आप हमारे फैमिली मैटर में इंटरफेयर मत करें। नरमीन, इनफ इज इनफ। तमीज से बात करो। तुम मुझे तमीज सिखाओगी? अगर तुम में इतनी तमीज होती ना तो उमेर में तुम्हें घर से नहीं निकालते। बस एक लफ्ज और मत निकालना। बस बेहयाई की इंतहा होती है। इतनी डिटाई किसे दिखा रही हो तुम? हाँ कुछ करो। आई सेड गो। आपको हमेशा मैं गलत लगती हूँ दूसरे से। Thank you.
अगर आप कहें तो मैं बात करूं। नहीं, I'm so sorry. आप जाके आराम कीजिए प्लीज। वो देखो ज़ायरा और साहब, ये लोग यहाँ इस वक्त खैर छोड़ो, हमें क्या, कहीं भी जा रहे हो, हमें क्या लेना देना किसी से। अगर यही सब करना था तो मेरी मोहब्बत का मजाक क्यों बनाया। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, फिर बेहतर यही होगा कि तुम सायरा को तलाक दे दो। जितना जल्दी हो सके तुम सायरा के नाम से अपना नाम जुदा कर लो। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। तलाक तो मैं उसे कभी नहीं दूंगा। आजादी चाहती ना वो मुझसे, क्योंकि मैं उसे इतनी आसानी से दूंगा नहीं। वो जहां भी रहेगी ना, मेरी कैद में रहेगी। तुम उसे तलाक नहीं दोगे तो वो खुला ले लेगी। कैसी मजबूरियां हैं, कैसी तन्हाई, बेख्याली में फिर मुझको तेरी याद आई। कुछ तुम भी कह ना सके, कुछ हम भी समझे ना। काफी समझाया है रुखसाना ने नरमीन को, लेकिन ये उम्र ही ऐसी, एक बार धुन सवार हो जाए तो कुछ समझ नहीं आता। मुझे तो तरस आ रहा है बेचारे पे। हो सकता है वो वाकई उस लड़के से बहुत मोहब्बत करती हो। रुखसाना बता रही थी कि ये सिलसिला काफी अरसे से चल रहा है। नरमीन ने शायद ये कदम इसीलिए उठाया होगा क्योंकि साद ने नरमीन की और इस लड़के की शादी से इनकार कर दिया था। अल्लाह उसे हिदायत दे। तुम्हारी तो वो बहुत पुरानी दोस्त है ना। फिर सब कुछ अचानक बदल कैसे गया? वो तुम्हें इतना गलत क्यों समझती है?